दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है, जितने भी सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चे हैं CBCS मोड के, जिन भी बच्चों ने अपने अभी सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे, तो आप सभी के अब रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी SL वाले बच्चे हैं सिक्स सेमेस्टर के, आपके रिजल्ट अब बहुत जल्दी डिक्लेयर होना शुरू हो चुके हैं। पहले काफ़ी टाइम लगता था, बट इस बार दोस्तों आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत जल्द देखने को मिल गए हैं। तो आपके जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना शुरू हो चुके हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस कोर्स का अभी रिजल्ट आया है, जितने भी सिक्स सेमेस्टर SL वाले बच्चे हैं। तो आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ किस तरह से चेक करना है और किस कोर्स का अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। आगे आने वाले टाइम में और कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर होता रहेगा, तो जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे मैं आपको वीडियो द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और जिन बच्चों ने कर रखा है वो वीडियो को शेयर कर देना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस कोर्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया गया है, जितने भी सिक्स सेमेस्टर CBCS मोड वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस कोर्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मई जून 2024 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर सर्च डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपके ये रिजल्ट हैं, ठीक है। BCom ऑनर्स वाले बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं फाइनली। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सिक्स सेमेस्टर BCom ऑनर्स वाले बच्चे हैं, इन बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। ये बच्चे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट किस तरह से चेक करना है। और जिस भी कोर्स का रिजल्ट आएगा, चाहे BA प्रोग्राम BCom प्रोग्राम का, तो यहीं पर शो हो जाएगा कि इस कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और जिस भी कोर्स का रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई दिक्कत या डाउट है रिजल्ट को लेकर तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको रिजल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे होम पे स्टेटमेंट मार्क्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में प्रिंट मार्कशीट मई जून 2024, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। कौन सा सेलेक्ट करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सिर्फ सिंगल ये लिखा हुआ आ रहा है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। ना ये सेलेक्ट करना है ईस्ट फीमेल ना ईस्ट मेल, ठीक है, ये कोई सा सेलेक्ट नहीं करना है आपको। ये सेलेक्ट करना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर भरना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था एग्ज़ाम रोल नंबर, फ़ोटो के ऊपर एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम रोल नंबर डाल देना, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जो भी आपकी DOB है, और एक कैप्चर कोड इसमें फिल कर देना, और फिर प्रिंट स्कोर कार्ड पर क्लिक कर दोगे, आपका जो रिजल्ट है वो शो होके आ जाएगा। चाहे दोस्तों BA प्रोग्राम वाले बच्चे हों, BCom प्रोग्राम के हों, किसी भी कोर्स के हों, इसी तरह से रिजल्ट आपको चेक करना है, और इसी लिंक पे आपका रिजल्ट शो होगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहीं पे आ जाओगे। तो दोस्तों BCom ऑनर्स का रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। अब जिस जिस कोर्स का आता रहेगा मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो जो भी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। कोई दिक्कत डाउट है मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर।